आज हम आलू और प्याज की कचौरी बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें आलू को उबालने के लिए रखना है कुकर में। आलू जब दो टुकड़े करके पानी में डालने हैं, ये देखिए ये इस टाइप से आलू जब उबल जाएंगे, ये देखिए अब ये आलू अपने तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये छिलका जो है, ये छिलका इसके ऊपर से निकल रहा है, मतलब आलू अपने उबल के तैयार हो गए हैं कुकर में, हमने उबलने के लिए रखे थे। अभी हम मसाला बना रहे हैं। ये प्याज ले लिए हैं, ये तेल रख दिया है, ये हमने तड़का डाला है, धनिया, हल्दी, हींग, ये मिर्ची, हल्दी, धनिया, मिर्ची, तड़का देके अब ये बेसन हमने इसमें डाला है। देखिए ये हम अभी मसाला तैयार कर रहे हैं कचौरी के लिए। दो ये बड़े चम्मच बेसन लिया है, ये देखिए ये मसाला तैयार हो रहा है। तेल में हमने राई, जीरा, हल्दी, धनिया और चाट मसाला डाला था, नमक डालो। अब हम नमक इसमें डाल रहे हैं। ये मसाला ये कैसे तैयार हो रहा है। इधर हमारा प्याज तैयार है, ये आलू भी रेडी है। ये देखिए इस टाइप से हम लोग हिला रहे हैं, इसको रेडी कर रहे हैं। गरम मसाला भी हम इसमें डाल रहे हैं, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है। अब हम इस मसाले में प्याज डाल रहे हैं, देखिए ये प्याज। इसमें कुछ दो चार कड़ी पत्ते भी हमने डाले हैं और लाल मिर्ची भी हमने डाली है। ये देखिए ये थोड़ी सी सौंफ भी हमने आधा चम्मच डाली है। ये देखिए ये मसाला रेडी हो रहा है, इसमें थोड़ी सी हम लोग अभी हरी मिर्च भी डाल रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े, ये थोड़े से जरूरत के हिसाब से हम इसमें डालेंगे। ये देखिए ये हमारा मसाला ये मिर्ची हमने थोड़ी और काटी है, ये देखिए ये इसमें हम अभी डाल रहे हैं। ये कितना बढ़िया कलर आ गया है मसाले का। ये देखिए ये हमारा मसाला ऐसा तैयार हो चुका है। अब हम जो हमने आलू जो उबले थे उसको इस टाइप से हम तैयार कर रहे हैं। ये देखिए ये इस टाइप से आलू को तोड़ के एकदम रेडी कर रहे हैं। ये देखिए मसल के एकदम इस टाइप से हम लोग मसालों को मिला रहे हैं। ये देखिए जैसे आटा कैसे गूंथते हैं उस टाइप से आलू। अब देखिए अब ये इस आलू को हम उस मसाले के अंदर डालेंगे। ये देखिए ये ऐसे ये देखिए अब हम इनको मिक्स करेंगे। ये इस टाइप से इस मसाले को इस आलू के साथ में उबले हुए इन आलूओं के साथ में मिलाएंगे। ये देखिए ये मसाला जो है वो आलू के साथ हमने मिक्स किया है, ये ऐसा ये अच्छे से अभी फिर से इसको मिलाएंगे। ये देखिए ये ऐसे ये इस टाइप से देखिए ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है कचौरी के लिए। जो मसाला होता है कचौरी बनाने के लिए आलू और प्याज का मसाला, वो ये देखिए ये कितना बढ़िया कलर आ चुका है। अब ये जो मसाला तैयार हो गया है इसमें हम धनिया काट के डालेंगे, ये भी इसके साथ में मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से धनिया को इसमें मिक्स करेंगे, धनिया का भी थोड़ा टेस्ट आए। अब ये हमने क्या किया है, ये मसाला पूरी तरह से कचौरी का तैयार कर दिया है। ये अब कचौरी के लिए लगभग कंप्लीट है,
अब हम कचौरी जो तलेंगे उसमें इस मसाले को भरेंगे। ये देखिए ये मसाला हमारा लगभग पूरा रेडी हो चुका है। ये लगभग 20 से 25 कचौरी का हमने मसाला बनाया है। जो इस मसाले को हमने जो बनाया है वैसे तो हमने बता दिया है, लेकिन इसकी जानकारी लास्ट में हम आपको फिर से एक बार दे देंगे कि इसको स्टार्टिंग से हमने कैसे बनाया और डिस्क्रिप्शन में भी क्या क्या सामान क्या क्या चीज़ें इसमें लगती है, कितनी क्वांटिटी है वो हम डाल देंगे आपकी जानकारी के लिए। हम कचौरी बनाने के लिए ये जो आटा है जो तैयार करने जा रहे हैं, कचौरी की जो मेन जो जिससे कचौरी बनती है ये हम रेडी कर रहे हैं। इसके लिए हमने 1 किलो मैदा लिया है, 100 ग्राम सूजी जिसको रवा भी कहते हैं, जो बारीक जो सूजी आती है जो छोटी महीन सूजी वो ली है, नमक हमने डाला है स्वाद के हिसाब से और ये तेल हमने डाला है। इसके अंदर हमने ये तेल डाला है, ये देखिए ये कोई भी खाने का तेल आप ले सकते हैं, जैसे सोयाबीन का या सोयाबीन हो या मूंगफली हो या कोई भी तेल आप ले लीजिए। ये देखिए हम अब ये आटा मिक्स कर रहे हैं, ये तैयार हो रहा है हमारा। ये देखिए जैसे नॉर्मली आटा भिगोते हैं उसी तरह से ये आटा हम लोग तैयार कर रहे हैं। फिर से आपको बता दूं कि 1 किलो हमने मैदा लिया है, 100 ग्राम इसमें सूजी डाली है, नमक स्वाद के हिसाब से डाला है और थोड़ा सा तेल डाला है लगभग 50 ग्राम जितना। अब हम ये पानी डाल के देखिए आटा तैयार कर रहे हैं, ये गूंथेंगे देखिए। ये देखिए ये अब हमारा आटा तैयार हो चुका है। ये क्वांटिटी 1 किलो है, 1 किलो हमने आटा लिया था, 100 ग्राम सूजी ली थी जो जिसे थोड़ा क्रंची हो जाए। और ये देखिए ये मसाला ये अब रेडी है कचौरी बनाने के लिए, पूरी तरह से सामान हमारा तैयार है। ये देखिए ये कितना सुंदर कचौरी के साथ खाने के लिए हम चटनी भी साथ साथ तैयार कर रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। चटनी के लिए हमने एक टमाटर लिया है जिसे हम काट के मिक्सर के बॉल में डाल रहे हैं। ये देखिए ये मिर्ची भी हम लोग डाल रहे हैं स्वाद के हिसाब से, जैसा टेस्ट किसी को तेज चाहिए किसी को कम चाहिए उस हिसाब से डालेंगे हम लोग। लगभग 7 से 8 मिर्ची इसमें डाल रहे हैं। ये देखिए धनिया भी हमारा रेडी है, ये भी हम इसमें डालेंगे। ये हमने अभी नमक डाला है 1 चम्मच टेस्ट के हिसाब से। ये जीरा डाला है 1 चम्मच। ये देखिए इस टाइप का पेस्ट हमने पहले बनाया है, अब इसमें हम लोग धनिया डालेंगे जो क्वांटिटी में उस जो पहले हमने जो सामान लिए उससे ज्यादा है। ये धनिया के साथ में इसको अभी तो ये देखिए ये चटनी हमारी अब मिक्सचर में रेडी हो चुकी है कचौरी के साथ में खाने के लिए। तो ये देखिए चटनी हमारी रेडी है, ये हम अभी इसको साइड में रखेंगे, ये कचौरी के साथ में खाने के लिए हमने चटनी बनाई है। तो मैदा हमने जो आटा तैयार किया है इसको गीले कपड़े से ढक के 15-20 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये कचौरी के लिए बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। ये देखिए ऐसे कपड़े से गीले कपड़े से ढक देना है और कम से कम 15-20 मिनट इसको रखना। अब इस आटे की इस टाइप की रोटी जैसी बनाएंगे और इधर इस मसाले को इस टाइप की गोलियां बनानी है। देखिए ये गोले हमने बनाए हैं, अब ये इस टाइप की अब ये गोले जो हैं वो इस
जो रोटी जैसी जो हमने जो बनाई है उसमें ये इस टाइप से भरेंगे। और ये देखिए ये हमारा ये कचौरी के आकार की ऐसे हम तैयार कर रहे हैं। इस टाइप से हम बनाते जाएंगे। रोटी को ज्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा अच्छा मोटा सा ये देखिए इस टाइप का लेना है। फिर हमने तेल तैयार होने के लिए रख दिया है। ये ऐसे हम तैयार करते जाएंगे और पूरी एक साथ में बना के ये देखिए ये हमारी कचौरियाँ तलने के लिए तैयार है। ये हमने प्लास्टिक पे इस टाइप से रखी थी। ये तैयार करने के बाद में 10-15 मिनट के लिए हमने इसको इनको प्लास्टिक पे छोड़ दिया था, हाथों हाथ नहीं तली। देखिए इधर हमारा तेल आ चुका है, हमने इसमें तलने के लिए डाली है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद में हम इसको तलने के लिए डालेंगे। देखिए ये तैयार हो रही है। थोड़ा एक तरफ सिकने के बाद में दूसरी तरफ पलटते जाएंगे। तेल में डालने के बाद में कम से कम 8-10 मिनट इनको अच्छे से तैयार होने में लगेंगे। कचौरी बनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कचौरी जब हम तलने के लिए डालेंगे तो कहीं से वो फूटे नहीं, बिखे नहीं, क्योंकि ये इस टाइप से एकदम व्यवस्थित होनी चाहिए। कहीं से भी ऐसी फूटी फूटी होगी तो वो जब हम वहाँ डालेंगे तो फूट जाने का, बिखरने का थोड़ा चांस होता है। ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये देखिए कितनी देखिए ये कचौरी हम देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन कचौरियाँ बनी है। देखिए कलर भी एकदम कितना सुंदर इसका। हम अब कचौरियाँ तैयार करते जाएंगे, कितनी बढ़िया कलर इनका आ रहा है। तो देखिए ये आप देखेंगे, ये देखिए कितनी शानदार कचौरी तैयार हो चुकी है। ये इस तरह से हम लोग कचौरी बनाते जाएंगे। तो ये देखिए ये चटनी इधर तैयार है। ये दही, अगर आप दही खाना चाहते हैं इनके साथ में तो दही भी तैयार है, ले सकते हैं। देखिए ये चटनी के अंदर हम लोग थोड़ा नींबू टेस्ट के लिए डालेंगे। अब ये कचौरी तैयार है। तो आपको ये कचौरी जो बनाने का हमने तरीका बताया, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने घर के भी कचौरियाँ बनाने की ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही बढ़िया ध्यान से बनाएंगे इसी तरीके से तो बहुत ही अच्छी बनेगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। देखिए ये हमारी प्याज की कचौरियाँ तैयार है। अभी देखिए ये कचौरी एकदम बड़ी शानदार तैयार हो चुकी है और कितनी बेहतरीन इसका टेक्सचर आप देखिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कचौरी तैयार हो चुकी है। इसमें चटनी दही डाल के भी खाया जा सकता है। इस प्याज की कचौरी का एक बार फिर से मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमने इसको कैसे तैयार किया, क्या क्या इसमें डाला। सबसे पहले हमने इसमें तड़का, जो मसाला बनाने के लिए तड़का लगाया, जिसमें तेल के अंदर हमने जीरा, हल्दी, चाट मसाला और कड़ी पत्ते इनका तड़का दिया। फिर उसके अंदर हमने दो बड़े चम्मच उसके अंदर बेसन डाला, फिर इसको हिलाया।
हिलाने के बाद में पानी भी थोड़ा सा हमने इसमें डाला और हिला के जो घोल तैयार हो गया उसके अंदर हमने कटे हुए प्याज डाले। कटे हुए प्याज डालने के बाद में जो मसाला तैयार हो गया उसके अंदर हमने जो आलू हमने तैयार करके रखे थे जो उबले हुए आलू वो उसमें डाल दिए, और जो मसाला तैयार हो गया उसको हमने साइड में रखने के बाद में वो जो आटा जो हमने जो तैयार किया था जो उस मैदे का जो डो हमने बनाया था उसकी जो रोटी जैसी छोटी छोटी रोटियां टाइप की थोड़ी सी मोटी सी बनाई अपने, और फिर उसके बाद में वो जो मसाला हमने बनाया है उसकी जो उसकी गोलियां बना के उसके अंदर रख के कचौरी हमने तैयार की, कचौरी के आकार की छोटी छोटी सी ये तैयार की। उसके बाद में हमने उनको तला, तलने के बाद में आपने देखा होगा थोड़े से हमने 10 से 8-10 मिनट के लिए उनको तला ताकि उनका अच्छे से कलर आ जाए, और बढ़िया से एक दो बार उनको आगे पीछे किया, उल्टा भी किया ताकि वो दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।